आज ही के दिन 1670 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय और फ्रांस के किंग लुई 14वें ने डच विरोधी गोपनीय संधि पर हस्ताक्षर किए। 1746 में आज ही के दिन फ्रांसीसी सेना ने एंटवर्प पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1819 में बंगाल में सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में आज ही के दिन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। 1869 में आज ही के दिन थॉमस एडिसन को अपनी इलेक्ट्रिक मशीन के लिए पेटेंट हासिल हुआ। 1874 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1880 में आज ही के दिन पहली पेफोन सेवा शुरू की गई। आज ही के दिन 1929 में मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त का जन्म हुआ था। नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत 6 वर्ष की उम्र में फिल्म तलाशे हक से की थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। नरगिस दत्त का असली नाम फातिमा रशीद था। मदर इंडिया फिल्म के लिए नरगिस को एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही इस फिल्म के लिए इन्हें सबसे अच्छी फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद इन्हें रात और दिन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1930 में आज ही के दिन भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे वीटी से पुणे के बीच चली। 1969 में आज ही के दिन कनाडा में रेडियो और टीवी पर तंबाकू उत्पाद और उनसे संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। आज ही के दिन 1979 में जिम्बाब्वे में 90 साल बाद अल्पसंख्यक श्वेत लोगों के शासन का अंत हुआ और घोषणा हुई कि अब देश को जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाएगा। नस्ल भेदी श्वेत सरकार के मुखिया यान स्मिथ भी सरकार में बने रहे। राष्ट्रीय एकता की सरकार बनने के 6 माह के भीतर ही जिम्बाब्वे एक बार फिर ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और 18 अप्रैल 1980 को औपचारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। 1980 में आज ही के दिन केबल न्यूज नेटवर्क यानी CNN टेलीविजन नेटवर्क का पहली बार प्रसारण शुरू हुआ। 1996 में आज ही के दिन HD देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। 1996 में ही आज ही के दिन देश के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का बेंगलुरु में निधन हुआ। संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। जब तेलंगाना को आंध्र में मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया था, उस समय संजीव रेड्डी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। 25 जुलाई 1977 को वह भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। 4 साल के अंदर उन्होंने 3 सरकारें देखीं। उनके राष्ट्रपति काल में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और फिर इंदिरा गांधी की सरकार रही। आज ही के दिन 2005 में अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार चढ़ाई की। और आज ही के दिन 2014 में नाइजीरिया में फुटबॉल के मैदान में हुए विस्फोट में 40 लोगों की जान चली गई थी।